हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। अभी समय हो रहा है सुबह के 9:30। सो गाइस, अभी मैं हूँ लसनपाट में। तो आप लोगों को बता दूं कि मेरा नानी के घर है लसनपाट। आप लोग सोच रहे होंगे लसनपाट क्या कर रहा है, तो मैं आया हूँ अपने नानी के घर। 4-5 दिनों से यही हूँ मैं। तो आप लोगों ने मुझे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा सेम कपड़ों में, क्योंकि मैं एक ही सेट कपड़ा लेके आया हूँ, तो इसी को पहन रहा हूँ, मतलब साफ कर करके। तो फाइनली आज मुझे जाना है अपने घर, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और लसनपाट आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के आसपास है, 50 किलोमीटर मतलब दूर है, पहाड़ी इलाका है काफ़ी। सो गाइस, मैं अभी इधर आया हूँ, तो चलिए आप लोगों को यहाँ का सीन दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से सीन है यहाँ का, देख सकते हैं। कुछ काफ़ी ऊँचाइयों पर स्थित है लसनपाट, और यहाँ हमेशा हवा चलती रहती है, जो कि आपको अभी पीछे सुनाई दे रही होगी अभी बैकग्राउंड में। सो गाइस, लसनपाट काफी मस्त जगह है घूमने लायक। अगर आप आना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग बलरामपुर से आएंगे तो अंबिकापुर रोड में आकर के, बलरामपुर से 15 किलोमीटर दूर आके, मतलब सिमरसर जंगल में आप लोगों को एक रास्ता कटा हुआ मिलेगा, उसी में आप लोगों को आ जाना है। और अगर आप अंबिकापुर साइड से आते हैं तो आपको शंकरगढ़ से होकर दुर्गापुर से कटना पड़ेगा, तो आप सिंपल तरीके से आ सकते हैं लसनपाट में। और यहाँ मतलब काफ़ी देखने लायक चीज़ें हैं। यहाँ के लोग सिंपल तरीके से मतलब जीवन यापन करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ आदिवासी हैं और यादों की मतलब संख्या ज़्यादा है यहाँ लसनपाट में। तो मैं आया था और 2-4 दिन घूमा इधर उधर, फिर मैं आज फाइनली जा रहा हूँ अपने घर। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को रास्ते में जो कुछ भी होगा। और अभी मैं खड़ा हूँ लसनपाट के जियो टावर के पास, तो चलो आप लोग बैक कैमरा के थ्रू दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो सो गाइस, फाइनली अभी नितेश भी आ चुका है मेरे पास, तो अभी हम थोड़ा सा इधर एंजॉय करेंगे। धक्का मार पीछे से, बहुत हवा चल रहा है यार। और ये भाई जो है ये चला रहे हैं अभी गाय, वे चला रहे हैं इधर। काफी मस्त सीन हो रखा है इधर, शांत पूरा वातावरण। चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी फील कराते हैं। काफी खुश नजर आ रहा है भाई, क्या बात है। और ये देखो, ये कौन सा जानवर है आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को। मेरे को तो मालूम है बट आप लोग बताना मेरे को, ठीक है। मस्त आराम से बैठी है सब, मिलजुल के बातें कर रही है। गाना गाते हुए जा रहा है भाई अभी। काफी खतरनाक रास्ता है, देख सकते हैं पूरा चट्टान ही चट्टान है। और यहाँ पर तो क्या ही बोलूं यार, मतलब मजा आ जा रहा है मेरे को आज। देखो इस टाइप का रास्ता है कुछ यहाँ का। तो भाई आगे आगे जा रहे हैं। कर चुके हैं डी पार्टी में।
लीजिए अगर आप डिपार्टी में आते हैं तो सामत सरना जरूर जाइएगा। सामत सरना जा सकते हैं, दर्शनीय स्थल है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है लोकेशन देख के। सो गाइस अभी एक घाट मिला, यहाँ पे गाड़ी चढ़ नहीं रहा तो मैं उतर गया हूँ, और जो कि इसका नया गाड़ी है, पानी था ना मिट्टी में, पानी पड़ गया था तो नहीं चढ़ रहा था, मेरे को उतरना पड़ा। हम लोग रास्ता भटक गए हैं, गलत रास्ता में डाल दिए हैं। हॉस्पिटल मेन रोड छोड़ के हम लोग भटक चुके हैं, रास्ता कच्ची रोड में आ गए हैं। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर जा रहा था और अचानक मैं आ गया इधर डिपार्टी, तो रीज़न ये हुआ कि आज कैंसिल कर दिया, मैं घर नहीं जा रहा हूँ आज, और तो आज जा रहा हूँ कुछ नहीं, चलो आप लोग को दिखाता हूँ। और नितेश भाई बोला कि मतलब मत जाओ आज करके, वो भी जा रहा था कुछ नहीं, तो हम लोग जा रहे हैं 2-3 जन कुछ नहीं, तो चलिए देखते रहिएगा ब्लॉग में, दिखाते हैं, चलो खा लेते हैं। सो गाइस अभी भाई खिला रहा है फुल्की, क्या रेट भाव है भैया? 10 का 6 है ना, 10 का 6 है भाई, 6 मिनट में बना के तीनों को खिला दे। चलो मीठा बढ़िया कीजिए ना, मीठा वाला भी रख ले बड़ा के। मेरे कौन खिलाएगा बे? फुल की खाते हैं, देखिए उठाइए और सीधे मुंह खा डालना बे। सतीश भाई खाते हुए नाम हो तो बोलके बोलके खा चुके हैं अभी, तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी बाइक स्टार्ट कर चुके हैं, आठ नंबर आता है इसका कैमरा, तो भाई लोगों का कहना है कि मेरा कैमरा एकदम एक नंबर का है, एक नंबर है, एक नंबर है, एकदम जब्बर का। हां भाई बढ़िया कैमरा है मेरा। चलते चलते अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में, यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। बहुत दूर तक तालाब है। हाँ बहुत बड़ा तालाब है, काफी खूबसूरत लोकेशन है यार, देख सकते हो, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पर, मतलब जहाँ तक नजर जा रहा है ना वहाँ तक तालाब ही तालाब है। ये देखो भाई कितना क्लियर पानी है इसमें, तो चलो हम लोग को मस्त व्यू मिला था इसलिए रुक के आप लोग को दिखा दिया, और अब चलते हैं, मतलब यहाँ से कुछ भी नज़दीक है, 5 किलोमीटर है, चलिए चलते हैं। थोड़ा सा कुसमी बस स्टैंड में रुके हुए हैं, देखते हैं अब आगे क्या प्लान बनाते हैं, तो भाई लोग ही बताएंगे। क्या चंदन, हाँ, कुछ प्लान है? हाँ, प्लान है, चलो चलेगा, ऐलान कर दिया है भाई लोग ने, चलो दिखाते हैं हम लोग, चले चलो। अरे माधव अभी नितेश भाई खो गया था, तो मतलब कहीं घूमने चला गया था, तो अभी आ गया है और बिजी है कहीं, अभी एटीएम में कुछ काम है, चलो एटीएम में थोड़ा चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं एटीएम में पैसा निकालने, अबे निकाल दे भाई, अभी एटीएम से दोबारा निकालने आया है क्योंकि पैसा हम लोग का कम पड़ गया था, क्यों भाई? कम पड़ गया था तो भी दोबारा निकालने आए हैं, फटाफट से भी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। 1 2 3 पांच चार इंटर, गरीब आदमी है यार, ज्यादा पैसा ही नहीं है, प्रयास बालक लेते फोन, छोड़ कार मेरा,
यार पैसे ही पैसे यार मौज कर दिया भाई ने। सो गाइस अभी कुछ खाना था तो हम लोग मंगाए हैं, तो देखते हैं अभी क्या क्या आता है। तीनों लोग काफी भूख लग रहा था तो मंगा लिए। आ चुका है समोसा और चटनी, और रितेश नहीं खा रहा है, चंदन खाएगा और मैं खाऊंगा सिर्फ, और वो चाय पिएगा ना। तो चलिए खा के मिलते हैं आप लोग से। अभी फाइनली नाश्ता वास्ता हो गया है और चाय पीते हैं तीनों भाई, इसके बाद निकलते हैं। चलिए चाय वो पी के फिर मिलेंगे रास्ते में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, फिर से एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और कल रात हो गया था तो कल ब्लॉग शूट नहीं कर पाए हम लोग, मतलब काफ़ी रात हो चुका था आने में और काफ़ी ठंडा भी लगा, तो फिर मैं आज शूट कर रहा हूँ अगले दिन। तो अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए